कैसे याद करनी होती है तो बात तो बस हेलो कहाँ पे? अच्छा हाँ हाँ को हाँ खनन का जो काम चल रहा है ऐसा लग रहा है कि इसमें सारे अधिकारियों की मिली भगत से जो खदानें लीलाम हैं जो खदानों का लीलामी करके बोली लगाई गई थी उनमें तो काम नहीं चल रहा है। पर अवैध खनन जैसे आज भीकमपुर है ठूटरम खिरिया है कई जगह पर जो है धड़ल्ले से बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके ऐसा लग रहा है जैसे इन्हीं का शासन हो पूरा और ये अवैध खदानों से रेत निकाली जा रही रोज़ 100-200 ट्रक रेता यहाँ से सप्लाई की जा रही है। ठेकेदार की स्वयं संलिप्तता है और इसमें एक काम बड़ी उससे हो रहा है लोगों की किसानों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करके वहाँ से रेत निकाली जा रही है और इतनी तानाशाही गुंडागर्दी क्योंकि इस क्षेत्र में ठेकेदार द्वारा अनेकों जगह गोली चलवाने से लोग दहशत में हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग डरे हुए हैं। यहाँ चाहे कोई भी विभाग हो जो खनिज विभाग है या चाहे किसी भी थाना SP से लगा के सारे लोगों को इस चीज़ की जानकारी है पर कार्रवाई ना होने के कारण इनकी मनमानी ढंग से अवैध रूप से कमाई हो रही है। इसमें मैं चाहूँगा कि भाई कलेक्टर महोदय हस्तक्षेप करें और इन्हीं खदानों को नीलाम कर दें। जैसे बीच बीच में यह हुआ था कि अगर जो खदान में रेत है तो उसकी वहाँ पर लालटी बना दी जाए और उसका मूल्यांकन करके कितना क्षेत्रफल आता है तो उस क्षेत्रफल से नीलाम कर दें, परंतु वो गांव का भी ग्राम पंचायत का भी नुकसान हो रहा है और जनता को कुछ नहीं मिल रहा, किसानों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। दो दो तीन तीन बार गोली चल गई, उन पर कार्रवाई नहीं हुई विशेष तौर पर, इसलिए उनके मनोबल बहुत हाई है और ग्रामीण जनता इसकी दहशत में आज जी रही है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि अधिकारियों से कहना चाहता हूँ कि थोड़ी न्याय करो, नहीं तो ऊपर वाला आपको माफ नहीं करेगा। जंग बहादुर सिंह समाज सेवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।